जय हिंद लेक्चर वी विल डिस्कस लोजी गेट्स बी कैन डिवाइड लोजी गेट्स इन थ्री टाइप्स वन इज बेसिक गेट सेकेंड वन इज यूनिवर्सल गेट एंड थर्ड वन इज स्पेशल गेट्स फर्स्ट विल डिस्कस बेसिक गेट्स बेसिक गेट्स के थ्री टाइप्स होते हैं फर्स्ट इज नॉट गेट सेकेंड वन इज और गेट थर्ड वन इज एंड गेट दिस इज ए ग्राफिकल सिंबल ऑफ नॉट गेट गे� अगर इनपुट में हम ए अप्लाई करते हैं तो आउटपुट में हमें ए बार मिलेगा तो अल्जेब्रिक फंक्शन होगा Y इज ए आउटपुट Y इक्वल टू ए बार दिस इज ए सिंबल फॉर ओवर गेट Y इज आउटपुट इनपुट इज x1 वन एंड एक्स टू और गेट के केस में वाई इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू ये जो प्लस है दिस इज और ऑपरेटर दिस इज ए सिंबल फॉर एंड गेट अगर बाइनरी इनपुट ए एंड बी है तो आउटपुट का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा ए डॉट बी डॉट एंड ऑपरेशन को बताएगा लॉजिक गेट्स की सेकेंड टाइप होती है यूनिवर्सल गेट्स देर आर टू टाइप ऑफ यूनिवर्सल गेट फर्स्ट इज नैंड गेट एंड सेकेंड वन इज नोर गेट वाई वी कॉल नैंड गेट एंड नोर गेट एज ए यूनिवर्सल गेट बिकॉज विद दी हेल्प ऑफ नैंड गेट एंड नोर गेट वी कैन डिजाइन ऑल अदर गेट्स नैंड गेट बनता है एंड गेट प्लस नॉट गेट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट पहले एंड गेट बनाएंगे दिस इज एंड गेट आगे जो आउटपुट होगी उसको हम नॉट गेट में अप्लाई करेंगे। तो गेट कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट प्लस नॉट गेट और इसका जो समराइज सिंबल होगा उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये एंड गेट बनाया ये जो बबल है ये बबल नोट गेट को रिप्रेजेंट करेगा दिस इज ए सिंबल फॉर नैंड गेट नो वी विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन यहां पर देखो एक बाइनरी इनपुट ए है सेकंड इज बी नैंड गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नोट तो यहां पर आउटपुट होगी एंड ऑपरेशन होगा ए डॉट बी इसको नोट गेट में अप्लाई किया तब आउटपुट होगी ए डॉट बी बार दिस इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट इनपुट ए बी आउटपुट होगी ए डॉट बी बार अगर मैं इस बार को रिमूव करता हूं तो आंसर होगा ए बार डॉट का बनेगा प्लस अकॉर्डिंग टू तो डी मॉर्गन थ्योरम और यहां पर बनेगा बी बीवा दिस इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन नोर गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गेट एंड नोट गेट दिस इज ए सिंबल फॉर गेट ऑलरेडी बी नो इसकी जो आउटपुट है इसको हम नोट गेट में अप्लाई करेंगे दिस इज गेट दिस इज नॉट गेट अब इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो गेट का सिंबल होगा दिस वन दिस इज गेट। और ये जो नोट गेट है इसको हम बबल से रिप्रेजेंट करेंगे दिस इज ए सिंबल फॉर गेट नो वी विल राइट लॉजिकल फंक्शन ए और बी बाइनरी इनपुट्स को हमने और गेट में अप्लाई किया यहां पर आउटपुट मिलेगी और ऑपरेशन होगा ए प्लस बी प्लस ये और ऑपरेशन बताएगा तो यहां पर बनेगा ए प्लस बी इसको फर्दर नोट गेट में अप्लाई किया तो आउटपुट क्या मिलेगी इसका बार हो जाएगा तो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा ए प्लस बी होल बार तो सेम गेट में ए बी इनपुट अप्लाई किया तो आउट पुट का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा ए प्लस बी बार अगर मैं इसे फर्दर सोल्व करता हूं यह बनेगा ए बार प्लस का डॉट बनेगा और यहां पर आएगा बी बार दिस इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट दीज आर टू स्पेशल गेट्स वन इज एक्सक्लूसिव ओर गेट सेकेंड वन इज एक्सक्लूसिव नॉर गेट दिस इज ए सिंबल फॉर एक्सक्लूसिव और गेट पहले और गेट बनाना है और इसी लाइन के पैरेलल में एक कोर लाइन इसी तरह बनानी है ए और बी आर ए बाइंड इनपुट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा वाई इक्वल टू ए प्लस प्लस के ऊपर लगाना है सर्कल बी ये रिप्रेजेंट करेगा ए एक्सोर बी इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा ए बार बी प्लस ए को एज इट इज लिखना है बी का बार लेना है दिस इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव गेट नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव नॉर गेट दिस इज ए सिंबल फॉर एक्सक्लूसिव नॉर गेट पहले हमें एक्सक्लूसिव गेट का सिंबल बनाना है आगे लगा देना है बब्बल ये बब्बल होगा नॉट गेट ये बबल नोट गेट को रिप्रेजेंट करेगा तो बेसिकली एक्सक्लूसिव नोर गेट कैसे बनता है एक्सक्लूसिव और गेट प्लस नोट गेट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक्सक्लूसिव गेट बनेगा और यह जो बबल है वो नोट गेट को बताएगा दीज आर द इनपुट्स जो बाइंड्री में है आउटपुट होगा ए अब यहां पर डॉट लगाएंगे डॉट के ऊपर सर्कल ये जो ऑपरेटर है ये एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन को बताएगा और ये जो ऑपरेटर है वो एक्सक्लूसिव गेट के ऑपरेशन को बताएगा बी और ये फर्दर बराबर होता है पहले ए का भी बार लिखना है बी का भी बार लिखना है प्लस फिर किसी का नहीं लिखना ए बी